दोस्तों आज हम एक चैनल को भेजने वाले हैं मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, एक एक करके सारी डिटेल। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर पर यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन, अभी आवेदन करें। तो जब आपको दिख जाए कि अभी आवेदन करें, आपके चैनल पर इस तरीके से दिख जाए ग्रीन कलर में, तो फिर आप क्लिक करना है आपको, मतलब कि आपको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी मैं कर रहा हूँ क्लिक, आवेदन करें पे मैंने कर दिया क्लिक। उसके बाद लिखा है पार्टनर कार्यक्रम की शर्तें पूरी करें। तो जिसका चैनल मैं ये कर रहा हूँ, इनके चैनल पर हिंदी में सब कुछ इन्होंने कर रखा है, तो हिंदी में कर रखा है इसलिए हिंदी में दिख रहा है। हिंदी इंग्लिश आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करें मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर पार्टनर पर क्लिक करता हूँ। सभी शर्तें स्वीकार कर लिया मैंने, ठीक है। जब सभी शर्तें आप स्वीकार कर लोगे, उसके बाद एक इस तरीके से ऑप्शन आएगा जो कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब शर्तें पूरा जो करते हैं YouTube पार्टनर प्रोग्राम का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि आपका पार्टनर प्रोग्राम हो चुका है, यहाँ पर हो गया है पहला वाला ये ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें बनते हैं हमारे Google के AdSense। AdSense ये होता है कि YouTube पैसा देता है AdSense को, AdSense पैसा देता है हमें, मतलब YouTube और AdSense का रोल ये है कि हमारा और YouTube का कनेक्शन AdSense बीच में करवाता है। YouTube देता है AdSense को पैसा, AdSense हमारे बैंक अकाउंट में डालता है। तो अब हमें क्या काम करना होगा, एक AdSense अकाउंट क्रिएट करना होगा। AdSense अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर अब क्लिक करेंगे शुरू करें। इस पर शुरू करने के बाद फिर यहाँ पर हमसे पूछता है कि क्या आपका पहले से कोई खाता है, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दो नहीं, मेरा पहले से कोई खाता नहीं है, और उसके बाद आपको जारी रखें या फिर आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देना है, राइट। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, गूगल का AdSense अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक जीमेल आईडी दिख रही है, जीमेल आईडी से बनाऊंगा AdSense अकाउंट। और अगर आपका AdSense अकाउंट पहले से उसी जीमेल अकाउंट पर बना है, तो दूसरी जीमेल अकाउंट यूज करना और दूसरा जीमेल अकाउंट से AdSense अकाउंट बनाना, राइट। तो यहाँ पर मैं इसी जीमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जीमेल आईडी मैंने कर लिया ओपन। यहाँ पर अब यहाँ पर पूछेगा, हाँ मुझे कस्टमाइज की सहायता है और संबंध जरूरी है, AdSense से लाभ उठाए, नहीं। यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं, अपना देश यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ। यहाँ पर आ गया भारत, हमने कर ली अपनी कंट्री को सिलेक्ट, बहुत टाइम लगा कंट्री सिलेक्ट करने में, बट कर ली। हाँ मैंने अनुबंध पढ़ लिया है और मुझे स्वीकार है, इस पर अब क्लिक कर देते हैं। खाता बनाए पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इतना काम करने के बाद हमें करना होता है जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पूरी डिटेल डालनी होगी हमें पूरा अपना। और इस पर अभी प्रारंभ करें पर क्लिक कर दो। प्रारंभ करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर खाता एकल या व्यवसाय, तो एकल होना चाहिए, नाम राजस्थान का राजा हो गया, और पता यहाँ पर डालना है एक एक करके। तो पता डालने के लिए अब मैं इस वीडियो को करूँगा स्किप, और पता डाल के फिर आपको आगे की बात दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारे डिटेल भर दी है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। आपको अपना पूरा एड्रेस डालना होता है, आप अपने आधार कार्ड से उस एड्रेस को निकाल लेना, और आपको अपना नाम डालना होगा। और यहाँ पर खाता का टाइप कौन सा खाता है, तो यहाँ पर आपको डालना है इंडिविजुअल या एकल। तो अभी ये हिंदी में इन्होंने कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर सारा हिंदी में दिख रहा है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में भी कर सकते हो, राइट। तो ये इतना काम कर लेना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है, जमा करना है, तो जमा करने पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जमा करने पर क्लिक करने के बाद अब ये हमसे टाइम लेगा, और यहाँ पर कह रहा है कि हाँ आप एकदम ठीक हो, मतलब ओके है, एकदम सबमिट कर दें। तो अब आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद अभी अपने आप थोड़ी टाइम लेगा, और कभी कभी ये होता है कि 1 से 2 दिन भी लेता है। अभी ये जो शुरू नहीं किया गया, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा प्रोसेसिंग इंग्लिश में, और हिंदी में जो कुछ लिख कर आए हिंदी का थोड़ा सा क्या आता है अभी आपके सामने ही दिख जाएगा। तो यहाँ पर अब देख लो जारी है, लिख कर आ गया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है पहला चरण, तो ग्रीन है, उसके बाद अगर ये जारी है ये ग्रीन हो जाता है, तो समझ जाना कि आपका AdSense अकाउंट बन गया। और ये 1 से 2 दिन भी लग जाता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम लगने के लिए अब हम वेट करेंगे, उसके बाद जब ये AdSense अकाउंट होके बन जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने चैनल को भेज दिया था मोनेटाइजेशन में, और अब हम देख रहे हैं मतलब 1 दिन बाद कि चैनल हमारा मोनेटाइज हुआ है कि नहीं। तो अब आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने जीमेल अकाउंट ओपन कर रखा है, और एक मैसेज आया है इस जीमेल अकाउंट पर, बधाई हो
आपके YouTube चैनल मंगीलाल रावल ऑफिशियल को YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। अब आप YouTube पर कमाई कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक दिन के अंदर YouTube चैनल मोनेटाइज करवा दिया है। यहाँ पर देख लो 9 जुलाई हो रहे हैं, 7 जुलाई को भेजा था रात को और 9 जुलाई को चैनल हो गया है मोनेटाइज। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको इनके चैनल पर लेकर चल रहा हूँ। इनका चैनल मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक बार आपके सामने, YouTube लिखता हूँ। YouTube लिखने के बाद जब इनका चैनल ओपन करूँगा आपको दिखाता हूँ कि मैं जब YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजता हूँ तो क्या चीज़ें देखता हूँ, और वही चीज़ें आपको भी देखनी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका चैनल 2 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं स्विच अकाउंट करता हूँ। स्विच अकाउंट करने के बाद मंगीलाल रावल का यहाँ पर चैनल मैं ओपन करता हूँ। इनका चैनल जैसे ही ओपन करता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं चलता हूँ YouTube के स्टूडियो में, और YouTube स्टूडियो प्रोग्राम में चलने के बाद आगे का प्रोसेस पूरा दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले, ताकि आपका चैनल जब जाए YouTube चैनल के पास तो YouTube चैनल देखे और वो सोच ले कि पांडे जी ने देख लिया था चैनल तो मोनेटाइज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखकर आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, एडसेंस अकाउंट चालू हो चुका है इनका, एडसेंस अकाउंट ये वाला है। ठीक है, अब एक काम यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि जब चैनल आपका मोनेटाइज हो जाए उसके बाद आपको अपने हर एक वीडियो को जाकर यहाँ से भी आप कर सकते हो कि सबको सेलेक्ट करो, एक साथ सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक करो। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर ऑन कर सकते हो मोनेटाइजेशन। जैसे ही मोनेटाइजेशन ऑन करोगे यहाँ पर आई अंडरस्टैंड और अपडेट वीडियो पर क्लिक कर दोगे मोनेट, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल ऐसे ही आपको मोनेटाइजेशन के लिए मोनेटाइज करना है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए वीडियो को ऐड लगाना होता है, वीडियो पर ऐड लगाना यही प्रोसेस है जो कि आपके सामने अभी मैंने किया है। ये बल्क में आपके हर एक वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे वीडियो हो गए हैं मोनेटाइजेशन ऑन, और मोनेटाइज ऑन होने के बाद अब इनके चैनल पर ऐड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हर एक वीडियो पर ऐड आने लगेगी। तो ये बहुत छोटी सी बात थी जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया कि 2 दिन के अंदर एक चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। इनको मैंने बता दिया था कि तुम्हारा चैनल मैं मोनेटाइज करवा दूंगा, मुझे पूरा विश्वास था और मोनेटाइज होता भी है। क्यों? क्योंकि जिसके चैनल पर जो हमारे चैनल को फॉलो करता है ना, वो रीयूज्ड कंटेंट कभी नहीं यूज कर सकता, और अगर आप रीयूज्ड कंटेंट यूज कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी है रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाएं, ऊपर वीडियो दे दिए देख लेना, पता चल जाएगा कि रीयूज्ड कंटेंट की वीडियो किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ऐसे ही तमाम लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।